देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चुनावी माहौल में लगातार प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं, लगातार जनता से संपर्क साध कर उनके बीच अपनी पारी को मजबूत कर रहे हैं। लखीसराय जिले के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 से अनिता देवी वार्ड पार्षद की प्रत्याशी बनी है, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीपक कुमार उर्फ पुटकुन राम। 15 वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। दीपक कुमार उर्फ पुटकुन राम प्रथम बार चुनाव लड़े 2017 में, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए। इस बार चुनाव में पुनः प्रत्याशी है और इस बार वार्ड नंबर 21 से महिला सीट होने के कारण अपनी पत्नी अनिता देवी को वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनाए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व खुद दीपक कुमार कर रहे हैं। दीपक कुमार उर्फ पुटकुन राम ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि वार्ड नंबर 21 में अब तक कई लोग वार्ड पार्षद बनकर सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 21 में जो विकास का कार्य होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। न सड़क का निर्माण हुआ, न नली गली का निर्माण हुआ। क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं है। न गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, वार्ड नंबर 21 के लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया। दीपक कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 21 के लोगों को प्रताड़ित देखकर और जनता के कहने पर मैं इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव में आया हूं। महिला सीट होने के कारण मैं अपनी पत्नी अनिता देवी को वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनाया हूं, जिसका प्रतिनिधित्व तो खुद मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड नंबर 21 की जनता मुझे अपना समर्थन देकर वार्ड नंबर 21 का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा। सरकार द्वारा सारी योजनाओं को वार्ड नंबर 21 के धरातल पर उतारूंगा। वार्ड में सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा, अपने वार्ड नंबर 21 में हर क्षेत्र में विकास करूंगा। आपको बता दें, दीपक कुमार उर्फ पुटकुन राम लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करते दिखाई देते हैं। जब भी लोगों को जरूरत होती है हमेशा लोगों के साथ देते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी गरीब लोगों को राशन दिए, क्षेत्र में जगह जगह सैनिटाइजर का कार्य किया। दीपक कुमार उर्फ पुटकुन राम ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि बार के वार्ड पार्षद के चुनाव में मेरी पत्नी अनिता देवी को अपना समर्थन देकर मुझे एक बार वार्ड नंबर 21 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और वार्ड का बेहतर विकास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी, मैं हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर परिषद के चुनाव की चर्चा की शुरुआत हो चुका है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुँच चुके हैं लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र संख्या 21 में। यहाँ से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में है अनिता देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीपक कुमार और पुटकुन राम जी, जिनके पास हम आज आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि अपने वार्ड में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। पुटकुन जी, सबसे पहले आदर्श भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अब बताए आप अपने वार्ड में वार्ड पार्षद का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं 2022 में, किस तरीके का विकास का काम करेंगे? इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया विकास होगा और क्षेत्र में जो जो दिक्कत है उसको सामना करके काम कराने का काम करेंगे हम लोग। और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्कूल, पैन पोखर जो भी है, नाली गली योजना का सबका लाभ करके हम काम करेंगे। और मुख्य तौर पे क्या लग रहा है, कौन ऐसी काम होनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हो पाया? मुख्य तौर का गली है, नली है, पानी का भी सुविधा वार्ड नंबर 21 में बिल्कुल नहीं है। दो दो नल जल योजना बना है, हर घर में पानी नहीं पहुंचा है, उसका काम हम करवाने काम करेंगे। पानी लग गया, टंकी नहीं बना अभी तक 21 नंबर वार्ड में, उसका भी काम करवाने काम करेंगे हम। जीतने के बाद जनता भी जुट रहे, विधवा है, विकलांग पेंशन है, सब है, वो भी काम होगा। प्रधानमंत्री योजना काम होगा। सब विधायक भवन ने लखीसराय में एक भी वार्ड नंबर 21 में, उसका भी बनाने काम करेंगे। जीतने के बाद जनता के बीच में जनता हम लोग को चाहेगा तो ठीक है, आगे काम करने के लिए लोग तैयार है, खड़ा होकर। शिक्षा के ऊपर आप किस तरीके का ध्यान देना चाहते हैं? शिक्षा के ऊपर वार्ड नंबर 21 में बहुत दिक्कत है, एक भी स्कूल नहीं है और उस पर ध्यान हम लोग देंगे, बनाने का काम करेंगे। स्कूल का जमीन है तो सरकार की तरफ से मांग करेंगे कि इसका बनाया जाए, खोला जाए। ऐसे में बता रहे थे कि एक पैन का निर्माण करवाएंगे। हाँ, मनसिंहा पैन जो बचना रोड से 22 बार तक आ गई, 21 में भी नहीं किया है। इस बार नगर परिषद से सब कुछ हो गया है, जितने के बाद मनसिंहा पैन बनेगा। साफ सफाई को बराबर किस तरीके का बहुत ध्यान रहता है, हर जगह रहता है हम लोग को साफ सफाई,
नहीं भी सुनता तब उन्हें से कह के करवाते हैं काम कि भाई नदी साफ करो, गली साफ करो, पानी पानी में रहता है उसका मट्टी उट्टी जो भी, अगले बार भी हम लोग भरवाए थे जहाँ पानी का जल जमा होता वहाँ भी हम मट्टी भरवा के काम करवाए जनता के बीच। इस चुनाव में अपने क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? संदेश देना यही चाहते हैं कि हम लोग को इस बार जिताए और बढ़िया काम करके दिखाए, संदेश तो जनता हमको देगी, जनता को हम संदेश देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए आदर्श भारत टीवी, नमस्कार।